हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ, रीडिंग का टॉपिक है आने वाले 15 दिनों में आपकी कौन सी इच्छा पूरी हो सकती है। ठीक है, तो अपकमिंग जो नेक्स्ट 15 डेज हैं उसमें क्या आपको गुड न्यूज़, ब्लेसिंग या फिर आपकी जो भी विशेज है वो कौन सी हैं जो पूरी हो सकती हैं, तो मैं इस पर रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कौन से विशेज हैं जो आपकी पूरी हो सकती है आने वाले 15 दिनों में। ठीक है, तो गाइज ये जनरल रीडिंग है, मैं बता दूं आपको, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड और टाइमलेस है ये रीडिंग। ठीक है, तो देखते हैं कौन से विशेज आपकी पूरी हो जाएंगी और गॉड आपको क्या गाइडेंस देंगे। मैं रीडिंग के एंड में गाइडेंस भी पता करूंगी आपके लिए हमेशा की तरह। लेट्स सी क्या होने वाला है आने वाले 15 दिनों में। ओके, विक्टिम का कार्ड है फर्स्ट। ट्रिकरी, कंप्लायंसी, परसिवरेंस। ओके, तो ये अभी आपकी एनर्जी निकाली है मैंने। मुझे लगता है मेरे चैनल पर जितने भी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, ब्रेव थे, आप अपना कंट्रोल अपने आप पर से काफ़ी हद तक लूज़ कर चुके हो। ठीक है, अकेले में बैठ के रो रहे हो, आई डोंट नो क्यों आप ऐसा कर रहे हो। हो सकता है कुछ सिचुएशन आपके सामने ऐसी आई है जिसने आपको हिला के रख दिया है, या फिर हो सकता है आपके घर में रिश्ते वगैरह की बात हो रही है तो उससे आप डर गए हैं, या आपको लग रहा है कि पता नहीं आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपके मन में आ रहे हैं डाउट्स। ठीक है, तो कोई बात नहीं, डाउट्स आना भी अच्छी बात है, ये भी हमारी अवेकनिंग का एक पार्ट होता है। क्योंकि गाइज मैं यहाँ पर आपको गाइडेंस देने के साथ साथ मोटिवेशन भी देने की कोशिश करती हूँ। मुझे जो भी आप में कमी दिख रही है मैं बताना चाहूँगी कि आप कैसे उस कमी को, उस डर को ओवरकम कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस आपके सामने करेंटली कुछ आए हैं जिन्होंने आपको हिला के रख दिया है, जिस चैलेंजेस की वजह से आप बहुत परेशान हो गए हैं। आपको लग रहा है फिर से विक्टिम बन जाएंगे, आप लोगों को हर्ट कर देंगे, स्पेशली अपने पेरेंट्स को हर्ट कर देंगे। और देखो, अगर आपका किसी के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आप, तो यहाँ पर तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, चैलेंजेस तो आएंगे ही। ठीक है, अब आपको डिवाइन परखना चाहती है, देखना चाहती है कि आप किस तरीके से उन चैलेंजेस को डील करोगे, मैनेज करोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये चीज़ें अब डिवाइन आपको परखने के लिए ही ये काम कर रही हैं, ये चैलेंज आपके सामने आ रहे हैं। अदरवाइज़ वो आपसे दूर नहीं है, अगर आप हिम्मत नहीं हारते तो डेफिनेटली वो आपके साथ हैं, आपके पास हैं। तो आप बिल्कुल भी ये अकेले में बैठ के रोइए मत, आप डिवाइन से बात कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, सल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जिन पर आपको बहुत ट्रस्ट है आप उनसे बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, शेयर करके आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन अपने आप को विक्टिम मत मानिए, आप ये मत समझिए कि दुनिया आपको फंसा लेगी, आपको मैनिपुलेट कर लेगी। वो लोग तो आपके ट्रिगर बनकर आ ही रहे हैं आपके पास, लेकिन अब आप कैसे उनके साथ मैनेज करोगे, हैंडल करोगे, ये आपका काम है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और क्या आपके लिए है। या गॉसिप, डेफिनेटली आपको अपने लव वन, जिन पर भी आपको ट्रस्ट है ना, आप उनसे बातें कीजिए। एंड डेस्टिनी, ओके, क्रिएशन, ओके गाइस, मुझे लगता है आपकी आपकी इनर वॉइस और आप में बहुत पावर है।
आप चाहें तो आप अपने लिए वो क्रिएट कर सकते हैं जो आप अपने माइंड में सोच रहे हैं। आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप उस चीज़ को पा सकते हैं। आप इतने पावरफुल, आप इतने इंट्यूटिव हैं कि आप जो चाहें वो अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए प्रेयर कर सकते हैं, उसके लिए डेफिनेटली गाइज ये आप कर सकते हैं। एंड वी हैव क्विस्ट, वी हैव क्विस्ट एंड परफेक्शन, बट ऑन द डेक से कार्ड है। ठीक है, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आपके अंदर इतना डिटर्मिनेशन है कि आप डेफिनेटली जो चाहें वो आप क्रिएट कर सकते हैं, वो पा सकते हैं। तो अपने ऊपर सबसे पहले तो भरोसा रखिए। आप काफ़ी ज़्यादा आपको डाउट हो रहा है अपनी जर्नी पर, खुद पर, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें होंगी, घबराहट भी होगी, रोना भी आएगा, रो लो, मन हल्का हो जाएगा, लेकिन जो एम आपने डिसाइड कर लिया है ना अपने लिए, उससे पीछे नहीं हटना। आप ऑल, आप देखिए, आप बहुत आगे आ चुके हैं, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं बनता। चाहे फिर ये कोई ड्रीम जॉब है, चाहे फिर ये आपका रिलेशनशिप है, अगर आपने इस रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दिया है तो आपको पीछे नहीं हटना है, अपनी एम में आपको आगे बढ़ना है। आपको वो चीज़ पानी है तो सच्चे मन से, पूरी लगन के साथ। देखो, चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। ठीक है, जो आप जो जिस भी चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप पूरा प्रॉपर अपना माइंड वहाँ लगा के करते रहो। ठीक है, भूल जाओ क्या कौन क्या कह रहा है, जो आपका मन कह रहा है वो करो। तो ये आपकी कुछ एनर्जी है, तो आई होप कि अगर ये आपकी स्टोरी है तो आप आगे बढ़िए। ठीक है, रीडिंग में अब देखते हैं कि क्या विशेज आपकी पूरी हो सकती है आने वाले 15 दिनों में, वो हम टैरोट से देखेंगे। किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, ओ वाटर साइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ तो। मैजिशियन, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एंड एस ऑफ वैंड्स। ओके, द वर्ल्ड कार्ड है वर्ड ऑन द डेक से। गाइज देखिए, ये जो भी आप गो थ्रू कर रहे हैं इस टाइम राइट नाउ, जो भी आपके सिचुएशन है, चाहे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है या फिर रिलेशनशिप में कुछ आपको पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, ठीक है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, ये किसी पर्पस से हो रही है। पहली बात तो आपको मैं ये बता दूँ, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ चेंजेस आ रहे हैं और कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, और डेफिनेटली आपकी विश पूरी होने वाली है। आप जिस भी चीज़ में नया अब आप स्टेप लेंगे, फिर चाहे वो कोई डिग्री कोर्स है, चाहे वो कोई बिजनेस है, चाहे कोई प्रॉपर्टी की डील है, चाहे आपके रिलेशनशिप के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में 100% कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। ठीक है, और ये
तीनों, मुझे लगता है आप में से कुछ लोग डेफिनेटली अपने लव लाइफ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी विश उसमें पूरी होने वाली है। आपको कुछ ना कुछ जल्दी ही कोई चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है? क्या चेंज हो सकते हैं मैं ये भी पता लगाने की कोशिश करूंगी, लेकिन यस, आपकी कुछ विश पूरी होने वाली है जो आप लव लाइफ को लगाकर बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ आपके फाइनेंशियल कंडीशन भी चेंज होने वाली है, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ, ठीक है? आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन वो मूव ऑन करके कभी खुश नहीं हुए, हमेशा सैड रहे हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये पर्सन हो सकता है कि आपकी लाइफ में एंट्री कर जाएं, ये विश आपकी पूरी हो सकती है, मैं ऐसा देख रही हूँ। क्योंकि सिर्फ एक आप ही नहीं है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आप दोनों का ही मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, जल्दी ही आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी, आपके पार्टनर आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है? आपका कप रिसीव कर सकते हैं इनको, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपके कॉल मैसेज का भी वेट कर रहे हैं, मैं ऐसा भी यहाँ पर देख रही हूँ। बट डोंट वरी, इसको वेट करने मतलब आप मत करना, इसी का मैसेज या कॉल आने दो, क्योंकि जल्दी ही मुझे लगता है, क्योंकि आपकी इच्छा है ना कि आपको कॉल करे मैसेज करे, तो आपकी विश मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है विद द स्टार कार्ड, ठीक है? और दूसरी बात है कि अभी आपको डेफिनेटली थोड़ा सा सेविंग वगैरह करने की ज़रूरत है, थोड़े खर्चों पे अपने कंट्रोल कर दीजिए, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, या फिर आप कुछ बहुत बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको पैसे थोड़ा सा बचा के, थोड़ा हाथ को थोड़ा संभाल के ना खर्च करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो ये एक एडवाइस है आपके लिए। अदरवाइज देखो, मुझे तो आपका कुछ नया कुछ बिग डील आपके पास आती हुई दिख रही है, या फिर डेफिनेटली आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरा होने वाला है, आपको यूनिवर्स सरप्राइज करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स तो आपके साथ हमेशा ही है, ठीक है? और यूनिवर्स आपके साथ यहाँ पर भी हैं, देखो ये यूनिवर्स है आपके साथ, एंजल्स हैं, एंजल का सपोर्ट आपको है, ठीक है? तो घबराने वाली कोई बात नहीं दिख रही है मुझे, तो मुझे लगता है कि यस, आपकी लाइफ में आपका मैनिफेस्टेशन का आंसर आपको मिलने वाला है, और जल्दी ही मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आपके सपने जो हैं, जो आपने अपनी आंखों में सजाए हुए हैं, वो शायद से पूरे हो जाएंगे। या गार्डन एंड द गेट, देखो आपके हाथ में, रोते रहोगे या आगे बढ़ोगे, या अभी आपके हाथ में। डोर टू रोमांस, देखो कुछ के लिए सच में लाइफ में रोमांस आ रहा है, आपकी लाइफ स्टक है, बोरिंग है, तो अब आपकी लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है, हैप्पीनेस आएगा, रोमांस आएगा, जॉय आएगा, जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा, ठीक है? एंड गॉड इज ऑफ द मून आपके साथ हैं, गॉड इज ऑफ द मून आपके साथ हैं गाइस, एंड वी हैव आर्कएंजल मैट्रॉन, यस आर्कएंजल मैट्रॉन। देखो मुझे लगता है आपको जल्दी अप्रिशिएशन मिलेगा, क्योंकि आप अपने लाइफ में काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, और आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, दुनिया आपको एडमायर करेगी, आप एग्जांपल बनोगे लोगों के लिए, लेकिन इस टाइम आपको इन चैलेंजेस से घबराना नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंसान बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ चीज़ें वो ट्रिगर बनकर आएंगे ना आपके पास, दैट्स वाई, लेकिन आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, और जो माइंडसेट आपने बनाया हुआ है उसको चेंज नहीं होने देना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, और उसको अच्छे से मैनिफेस्ट करना है, ठीक है? कभी कभी डेफिनेटली गाइज आप यहाँ पर आते हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिले, आपको पॉजिटिव वाइब्स आएँ, तो यहाँ पर मेरा काम ही ये है कि मैं आपको मोटिवेट करूँ, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में, आपके एम तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करूं, ठीक है? तो मैं आपको बहुत बहुत दिल से कह रही हूं कि मत घबराइए, ये सिर्फ ट्रिगर्स हैं, आपको जो भी ऐसा लग रहा है कि अब आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा, तो ये सिर्फ आपका एक भ्रम है, अगर आपने ठाना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है? आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए घबराइए मत, रोइए मत, हार्डवर्क करते रहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, जब इंसान की अवेकनिंग हो रही होती है तो बहुत पेनफुल सिचुएशन से वो गुजरता है, और जब उसका मैनिफेस्टेशन पूरा ही होने वाला होता है तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि भगवान अब आपको बहुत जल्दी सरप्राइज़ करने वाले हैं, तो जितना पेन आपको मिल रहा है ना, उसे हाथ जोड़ के एक्सेप्ट कर लो, और डरो मत उस चीज़ से, ठीक है? क्योंकि जब डिवाइन आपके साथ है ना इस सिचुएशन में, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मिलेगा आपको वही जो आपकी किस्मत में लिखा है, किस्मत का लिखा हुआ कोई नहीं छीन कर जाएगा आपसे, ठीक है? इसीलिए पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और आर्कएंजल मैट्रॉन, गॉडेस ऑफ द मून, यूनिवर्स आपके साथ है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है डरने की, ठीक है? चलिए अभी एंजल आंसर्स देख लेते हैं आपके लिए।
लिसन टू योर इंट्यूशन। एंजल आपको कह रहे हैं आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए, आपके इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, इंट्यूशन को सुनिए। एंड वेट कीजिए, देखो एंजल खुद कह रहे हैं वेट कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा, बस थोड़ा सा आप वेट कीजिए। और ये वेट भी आप से, अगर आप चाहें तो ये वेट कम हो सकता है, आप उदास मत होइए बस, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, देखो एंजल तो आपको साइन दे रहे हैं, और साइन देखते रहिए, साइन से जो भी मैसेज आपको मिल रहा है उसको बिल्कुल कंसीडर कीजिए। और देखो असर्टिव रहने के लिए भी कह रहे हैं, बी असर्टिव, ठीक है, और ट्रस्ट करने के लिए भी कह रहे हैं एंजल। तो बिल्कुल वेट कीजिए, साइन पर फोकस कीजिए, यूनिवर्स आपसे कैसे बात कर रहे हैं, और अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, आपकी विशेस पूरी होने वाली है गाइज। आप में से बहुत सारे लोगों काफ़ी कुछ सहन कर रहे हो, और ये टाइम है, ऐसा होता है जब अवेकनिंग होती है, जब हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला होता है, तो ये हार्डशिप आती हैं, तो इनसे घबराए ना, अपने भगवान पे बिलीव रखें, अपने आप पर बिलीव रखें, आपकी सारी विशेस पूरी होंगी, ठीक है। तो आने वाले 15 दिनों में आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है, और आई होप कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो, आपकी विशेस पूरी हो जाए। सो गाइज दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।